और अब बात करते हैं कसरावत की, जहां रविवार को शासकीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रैली निकालकर कसरावत तहसील कार्यालय पर पहुंचकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। 17 कर्मचारी संघ, 21 जिले की जिलाध्यक्ष, 3000 से ज्यादा कर्मचारी रैली में मौजूद थे। रैली करीबन 1 किलोमीटर लंबी नजर आ रही थी। इस अवसर पर प्रांत अध्यक्ष परमानंद डेहरिया बोले कि सरकार देर कर रही है, जितनी देर करेगी उतना उनको भुगतना पड़ेगा। हम कह रहे हैं हमारी जो पेंशन की मांगे वह तत्काल पूरी करें, इसमें सरकार का भी फायदा है और हमारे कर्मचारी का भी फायदा है। आपको बता दें कि कर्मचारी राज्य सरकार से काफी समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। सरकार के उदासीन रवैया से नाराज कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा चरणबद्ध क्रम में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर जिला प्रभारी दिनेश पटेल, जिला मीडिया प्रभारी अजय कर्मा, संजय कर्मा आदि मौजूद रहे। ये एक छोटी सी मांग है हमारी, परम सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो मध्य प्रदेश के मुखिया, उनसे हमारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग रखे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के सरकारों ने पेंशन बहाल कर दी है, तो सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारी पेंशन तत्काल बहाल करें, इसकी घोषणा करें। आपको ऐसा नहीं लगता कि लड़ाई काफ़ी लंबी हो गई है? हाँ, 2017 से सम्माननीय विजय कुमार बंधु जी ने इस लड़ाई को आगाज दिल्ली से करे थे और आज हमारा 2022 हो गए। सरकारें लेट कर रही हैं, जितना देर करेंगी उतना ज़्यादा उनको भुगतना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि हमारी पेंशन की जो मांग है वो तत्काल करें, इससे सरकारों का भी फायदा और हमारे कर्मचारियों का भी। मांगे पूरी नहीं होती तो इसमें हम बहुत ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। हमने 100 दिन का चार्ट प्रोग्राम किया है। मध्य प्रदेश शासन को हम सिर्फ दिसंबर तक का समय दे रहे हैं, यदि दिसंबर तक उन्होंने हमारी मांग को नहीं मानी तो हम तालाबंदी, शालाओं के तालाबंदी, ऑफिस में तालाबंदी से लेकर के रोड से अमर अनशन तक करेंगे। हमारा पूरा मध्य प्रदेश का 6 लाख कर्मचारी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में पूरा मध्य प्रदेश में जितना भी कर्मचारी वो रोड में आ जाए।